हम आलू की टिक्की बनाने जा रहे हैं। आलू को बॉईल कर लिया है, इसमें मिर्च डाल दी है, और ये धनिया डाल दिया है, ये नमक भी डाल दिया है, और ये प्याज काट लिया है, धनिया है, सारे मसाले हैं, जीरा है और गरम मसाला है, धनिया है, जलजीरा है, और ये चाट मसाला है, और ये आलू भुजिया है, दही है, ये कैरी की चटनी है, चिली सॉस है, टोमेटो सॉस। और इसे मिक्स कर टिक्की बनाने जा रहे हैं। आलू को मिक्स कर लिया, अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब इतने छोटे छोटे बॉल से बना लेंगे, इसे टिक्की बना लेंगे छोटी छोटी। अब इसकी छोटी छोटी सी इसे इसे टिक्की बना लेंगे। जैसे ये टिक्की बन गया ऐसे सारी बना लें। ये सारी टिक्की बन के रेडी हो चुकी है, अब इसको हम भूनेंगे। ये गैस जलाएंगे, तवा गर्म करेंगे। अब इसमें ऑयल डाल के ऐसे तवे पे थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब टिक्की को ऐसे डालेंगे। अब ये सारी टिक्की तवे पे डाल दी हुई है। अब ये सेक लेंगे दोनों साइड से पलट लेंगे ऐसे। अब ये दोनों साइड से सेक चुकी है अच्छे से, अब इसको निकाल लेंगे। ये टिक्की हमारे अच्छे से सेक चुकी है। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। मैं प्याज डाल दिया, हरा धनिया। अब इसमें सॉस डालेंगे थोड़ी सी, इसमें चिली सॉस डालेंगे। अब इसमें मैंगो की चटनी डालेंगे। और इसमें ये नमकीन डालेंगे, आलू भुंडिया जी। अब इसमें ये दही डालेंगे। अब इसमें जलजीरा डालेंगे ये। ये धनिया डालेंगे। और थोड़ी सी ये प्याज डाल दें। थोड़ा सा और नमकीन डाल देंगे। अब ये टिक्की तैयार है, जिसको खाना है खा सकता है। ये बहुत ही अच्छी टिक्की बनी है, बहुत ही टेस्टी है। जिसको जिसको ये पसंद है खा सकता है।